बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बरही की, जहां सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने के दौरान विधायक ने काम रुकवा दिया और धरने पर बैठ गए। विधायक उमा शंकर अकेला सीओ द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के विरोध में बरही थाना क्षेत्र के हजारीबाग रोड के पास धरना पर बैठ गए हैं। तो अतिक्रमण हटाने का विरोध कर रहे हैं विधायक। बड़ी खबर इस वक्त की, बरही थाना क्षेत्र के हजारीबाग रोड का ये मामला है। फिलहाल प्रशासन और विधायक स्थानीय लोगों के बीच बातचीत चल रही है। सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन वहां लोगों के विरोध के साथ स्थानीय विधायक भी विरोध में उतर आए और अतिक्रमण हटाने पहुंचे प्रशासनिक टीम को काम में रुकावट डाली गई है। ये मामला बरही का है, हजारीबाग रोड पर का ये मामला, जहां विधायक उमा शंकर अकेला धरना पर बैठ गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। सीओ दलबल के साथ सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही स्थानीय विधायक भी विरोध में उतर आए। सर्विस रोड से अतिक्रमण हटाने के काम को विधायक ने रुकवा दिया। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वीरेंद्र जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासनिक टीम पहुंची थी, लेकिन विधायक और स्थानीय लोग दोनों विरोध पर उतर आए हैं, क्या स्थिति है फिलहाल? फिलहाल यही है कि अब बरही के हजारीबाग सर्विस रोड जो है, तो सीओ ने अल्टीमेटम दिया था कि आपने जितने भी दुकान है सब हटा ले, लेकिन नहीं हटाने के कारण ने आज सीओ जो भी था अनाउंसमेंट भी किया था, अनाउंसमेंट करने के बाद भी नहीं हटाया, तो आज सीओ आपने दल बल के साथ थाना का इंस्पेक्टर के साथ में पूरे टीम पुलिस के साथ में वहां जब पहुंचा दुकानदारों को हटाने लगा। उसी बीच में उमा शंकर अकेला विधायक वहां पहुंचने के बाद उनको रोका सीओ को, और दूसरे में भी हुआ वहां पे कि हम अभी यहाँ का विधायक है, यहाँ का जनता है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ का पब्लिक से, उसके बाद आप दुकान को हटवाने का काम करेंगे। लेकिन उसके बाद धरना प्रदर्शन करने लगे और धरना पर बैठ गए, और अभी फिर 4 बजे इसी को लेकर फिर मीटिंग है और फिर बैठक मने चलेगा जी। वीरेंद्र, लेकिन अतिक्रमण हटाने का विरोध क्यों कर रहे हैं विधायक? अतिक्रमण की वजह से तो काफी परेशानियां होती है। बरही जो है, बरही जो चौक है, चारों तरफ से उसी चौक है, इधर आपका बिहार जोड़ता है, इधर बंगाल जोड़ता है, इधर आपका फिर बिहार जोड़ता है, और इधर रांची है, जहाँ रांची पटना रोड भी है और दिल्ली से कलकत्ता रोड है, वो बहुत खतरनाक रोड है। लेकिन ग्रामीण को कहना है कि हम हटा लेंगे, लेकिन ग्रामीण नहीं हटा रहे हैं, लेकिन विधायक को भी कहना है कि हटेगा, लेकिन अभी नहीं हटेगा, अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, दुर्गा पूजा के बाद हटेगा। वीरेंद्र, क्या बातचीत होती है, नजर बनाए रखें, अपडेट्स आपसे आगे लेते रहेंगे, धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। तो पूजा के मद्देनजर विधायक और स्थानीय लोग अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का विरोध करते नजर आए, और फिलहाल वार्ता चल रही है प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच। विधायक भी वहां मौजूद हैं,